गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल भावना गुप्ता में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक इंश्योरेंस। सबसे पहली बात तो इंश्योरेंस का मतलब होता क्या है। इंश्योरेंस का मतलब ये कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। एक्स वाई जेड एक इंश्योरेंस कंपनी है, आपने सुना होगा इंश्योरेंस, जैसे LIC लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह, है ना। तो ऐसे ही एक्स वाई जेड एक इंश्योरेंस कंपनी है और ये एक आदमी को क्या प्रोवाइड करी, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है, देखिए क्या होता है कि ये एक्स वाई जेड कंपनी जो है ये इस आदमी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी किसी एक चीज़ पे। जैसे कि सपोज़ कार हो गया तो इसको प्रोवाइड करेगी कार इंश्योरेंस, ठीक है। और बदले में ये इसको प्रोवाइड करेगी प्रोटेक्शन। और बदले में ये जो आदमी होता है ना, ये एक अमाउंट ऑफ मनी पे करता है, उसे हम बोलते हैं प्रीमियम। छोटा सा नॉमिनल सा अमाउंट होता है, ठीक है। तो ये जो एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट का नाम है इंश्योरेंस। तो व्हाट इज़ इंश्योरेंस, पेज नंबर 87 आपके BST बुक में दिया होगा। इंश्योरेंस इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट अंडर विच वन पार्टी एग्रीज इन रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन टू पे एन एग्रीड अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पार्टी टू मेक अ लॉस डैमेज इन और इंजरी टू समथिंग ऑफ वैल्यू इन विच द इंश्योर्ड हैज अ पेक्यूनरी इंटरेस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ सम सर्टेन इवेंट। और इस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पॉलिसी, बोला के इंश्योरेंस पॉलिसी है ये, ठीक है। अच्छा, अब जो बंदा एक्स वाई जेड जो इंश्योरेंस में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, इस बंदे को तो हम बोलेंगे इंश्योरर, या फिर इसको बोलते हैं अश्योरेंस अंडरराइटर। वैसे इंश्योरेंस इंश्योरर के नाम से आप याद रखिए। और ये जो बंदा है इसको हम बोलते हैं इंश्योर्ड, क्योंकि इसको क्या मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है। और ये क्या पे कर रहा है, प्रीमियम पे कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे इंश्योरेंस के। फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन इंश्योरर जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है किसको, इंश्योर्ड को। दूसरी बात प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी, कहने का मतलब ये कि कभी इसको लॉस हो गया इंश्योर्ड सब्जेक्ट मैटर पे, जैसे कि कार जो उसने इंश्योर्ड करा रखी है, तो एक्स वाई जेड को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जितने का इंश्योरेंस उसने करवाया है। सपोज ने 7 लाख का करवाया है तो जितना डैमेज हुआ है उसके हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, रिस्क शेयरिंग। अब ये तो है नहीं कि इस अकेले बंदे ने ही इससे इंश्योरेंस कराया होगा, बहुत सारे लोग आते हैं जो क्या कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं। तो इन सब लोगों से पैसा ये लेती है और उसके बाद बहुत सारा पैसा जमा हो जाता है। सब लोग तो क्लेम मांगने नहीं आते, तो जो पैसा बचता है, जो फालतू पैसा पड़ा होता है, इसे ये इनकम जनरेटिंग चीज़ों में लगा देती है, इन्वेस्टमेंट कर देती है काफ़ी सारी चीज़ों में जिससे कि पैसा जनरेट हो, ठीक है। और जो रिस्क है वो शेयर हो जाता है, कैसे, बहुत सारे लोग प्रीमियम देते हैं, कोई एक दो बंदे ही क्लेम करते हैं, तो इंश्योर जो होता है एक्स वाई जेड जो है कंपनी है, ये क्या कर देगी, उस पैसे से थोड़ा सा जो भी है पेमेंट कर देगी इंश्योर्ड को, ठीक है। तो ये हमारा था इंश्योरेंस। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।